लोकायुक्त की कार्यवाही, आरोपी को 4000 की रिश्वत सहित रंगे हाथ पकड़ा। आवेश में आरोपी ने किया हमला। हम आपको बता दें कि आवेदक गोपाल सिंह राठौर उम्र 36 वर्ष निवासी नेहरू नगर जिला भोपाल द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल को विगत 17 जनवरी 2022 को शिकायत आवेदन दिया, जिसमें नेहरू नगर स्थित आवेदक का शेड के बने मकान के पक्के निर्माण हेतु ऋण लेने के लिए NOC जारी करने के एवज में 10,000 रुपये की मांग की थी कि लोकायुक्त सत्यापन उपरांत अनावेदक प्रहलाद श्रीवास्तव सहायक ने 4,000 रुपये रिश्वत तय की। लोकायुक्त टीम द्वारा आरोपी प्रहलाद श्रीवास्तव सहायक ग्रेड LDC बाबू मध्य प्रदेश हाउसिंग सोसाइटी विकास मंडल भोपाल गोमांतिका परिसर को आवेदक गोपाल राठौर से 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़। कार्यवाही के दौरान आरोपी प्रहलाद श्रीवास्तव ने आवेश में आकर अपने टेबल की दराज में रखे चाकू को हाथ में लेकर स्वयं को घायल किया व ट्रेप टीम के आरक्षक विनोद मालवीय के साथ के रोकने पर उस पर भी चाकू से हमला किया। लोकायुक्त अपनी कार्रवाई के साथ साथ आरोपी के विरुद्ध थाना TT नगर में पृथक अपराध पंजीकृत किया गया। क्या मामला है जी? इसमें आवेदक गोपाल सिंह राठौर जो नेहरू नगर निवासी हैं, उन्होंने 17 जनवरी को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल को कंप्लेन किया था कि इनका जो कच्चा मकान है, शेड का मकान है, उसको पक्का करने के लिए लोन चाहिए और लोन के लिए NOC हाउसिंग बोर्ड से चाहिए थी। तो उस NOC को देने के लिए जो आरोपी है प्रहलाद श्रीवास्तव सहायक के पद पर है ये, उन्होंने इनसे 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की है। जब उनकी कंप्लेन का सत्यापन कराया गया तो 4,000 रुपये में बात इन लोगों की आपस में फिक्स हुई कि 4,000 रुपये रिश्वत लेंगे। और आज लोकायुक्त टीम ने आरोपी प्रहलाद श्रीवास्तव को 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। कोई हमला भी हुआ आप लोग को? जी, असल में प्रहलाद श्रीवास्तव जी के पास में एक छोटा सा चाकू था जो रसोई घर में यूज होता है। उन्होंने आवेश में आके उस चाकू से पहले खुद को घायल करने की कोशिश करी, फिर उसने चाकू छुड़ाने की कोशिश करी आरक्षक विनोद मालवीय ने, तो उन्होंने उस पर भी हमला किया लेकिन वो बच गया। एक बार आपको पूरा नाम बता दें। जी, मैं इंस्पेक्टर मयूरी गौर लोकायुक्त भोपाल से। और इसमें TT नगर थाने में इनके विरुद्ध IPC की धारा में जो भी अपराध पंजीबद्ध होगा वो